अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन फ्लाई अवे। इस लेसन के आप लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन कौन सा है। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट वाज हेल्पर आस्क्ड टू डू। हेल्पर को क्या करने के लिए कहा गया था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने लेसन पढ़ा है मेरे साथ कि हेल्पर को कहा गया था कि वो मक्खियाँ लेकर आए और उन मक्खियों को उन्होंने डालना था, कोई डेड लुकिंग सी चीज़ थी फिल्म की शूटिंग में, उस पर डालना था। और साथ ये भी कहा था कि जब तक वो कहे ना, वो उड़े ना, जस्ट क्रॉलिंग करती रहे। और इसके अलावा ये उसे कहा था कि मक्खियों की तादाद एटलीस्ट 5000 होनी चाहिए। तो आंसर इसका आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है, अगर पेपर में आ जाता है आपने लिखना है, हेल्पर वाज आस्क्ड टू प्रोवाइड ट्रेंड फ्लाइज फॉर आ फिल्म शूटिंग। हेल्पर को कहा गया था कि वो मुहैया करे ट्रेंड फ्लाइज, तरबियत याफ्ता मक्खियाँ एक फिल्म की शूटिंग के लिए। ही वाज आस्क्ड टू ब्रिंग द फ्लाइज विच कुड क्रॉल ऑन अ डेड लुकिंग थिंग विदाउट फ्लाई अवे। कि उसे ये भी कहा गया था मक्खियाँ वो जस्ट क्रॉल करें रेंगे उस मुर्दा नज़र आने वाली चीज़ के ऊपर, उड़े बगैर, मतलब उड़े नहीं, जस्ट उस चीज़ पे फिरती रहें इधर उधर। ही वॉज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सच फ्लाइज एट लीस्ट इन 5000 नंबर्स। और साथ उसे ये भी बताया गया था कि उसे कितनी मक्खियाँ लानी हैं, तकरीबन 5000 की तादाद में मक्खियाँ लेकर आनी है फिल्म की शूटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट प्लान डिड ही डेवलप। उसने कौन सा मंसूबा बनाया। जब हेल्पर को कॉल आई कि 5000 मक्खियाँ जो हैं वो चाहिए शूटिंग के लिए, तो उसके बाद क्या उसने मंसूबा बनाया था। हमने लेसन पढ़ा है ना, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो उसने ये सोचा था कि वो अपने एक दोस्त के पास जाएगा और उनसे इतनी ज़्यादा तादाद में जो ये फ्लाइज हैं ये अरेंज करेगा, वहाँ से मैनेज करेगा, अपने फ्रेंड को कहेगा कि दे। और सेकेंडली उसने ये भी सोचा था के मक्खियों के वहाँ से लार्वा लेगा जो कि शूटिंग के डे हैचिड होंगे। और थर्डली उसका ये था कि इन फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा कि ट्रैंकुलाइज़र का यूज़ करेगा, नींद की दवा इस्तेमाल करेगा जिसकी वजह से वो मक्खियाँ नीम बेहोश हो जाएंगी और जब वो जो है अपना सीन फुल वहाँ पर शूट करवा लेगा। तो ये उसका फुल प्लान था। तो आपने इसका आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ही प्लान्ड टू विजिट वन ऑफ हिज फ्रेंड टू अरेंज सच अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्लाइज। उसने सबसे पहले तो मंसूबा बनाया कि अपने दोस्त के पास जाएगा इतनी बड़ी तादाद में मक्खियों को अरेंज करने के लिए, इंतज़ाम करने के लिए। ही गोट लार्वास विच कुड हैच इन टू यंग फ्लाइज टिल द टाइम ऑफ द शूट। और उसने साथ क्या सोचा था कि वो वहाँ से लार्वास लेगा मक्खियों का जो इब्तदाई शक्ल होती है और उसके बाद जो कि बिल्कुल ही शूट के टाइम पैदा होंगी। ही मेड अ प्लान ऑफ हाउ ही वुड कंट्रोल द फ्लाइज। और साथ उसने ये भी मंसूबा बनाया कि वो किस तरह से कंट्रोल करेगा, बाय स्प्रेइंग ट्रैंकुलाइजर, कि स्प्रे करेगा नींद आवर दवा का या सुकून आवर दवा का उन फ्लाइज के ऊपर। तो ये उसका फुल प्लान था वहाँ के लिए। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंड एट द शूट। के शूट पर क्या वाकया पेश आया था, क्या हुआ था शूटिंग पर जब वो ले तो गया था वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है
कि सबसे पहले तो कोई भी उस पर यकीन ही नहीं कर रहा था कि वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ले आया है फ्लाइज की, ट्रेंड फ्लाइज की। और उसके बाद जब उसने वाकई ही सब कुछ करके दिखाया कि उस डेड लुकिंग चीज़ पर मक्खियाँ क्रॉलिंग कर रही हैं, और उसने कैसे किया, उसने वो ट्रैंकुलाइज़र यूज़ किया जिसके असर की वजह से मक्खियाँ नीम बेहोश थीं और वो जस्ट स्लो स्लो क्रॉलिंग कर रही थीं, और जब उस ट्रैंकुलाइज़र का असर ख़त्म हुआ तो वो सब उड़ गईं। तो इसने उन्हें तो नहीं बताया था कि मेरे पास ट्रैंकुलाइज़र है, ये इसने छुपाया था अपना राज रखने के लिए। तो ये सब हुआ था शूट पर, ये पूरा वाकया आपने वो बताना है, ये पूरा वाकया अपने अल्फाज में। तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सवाल आप लोगों ने लिखना है। एस हेल्पर रीच्ड द शूट पॉइंट, जब हेल्पर जो है वो शूट जो फिल्म हो रही थी, बन रही थी, वहाँ उस मौके पर पहुँचा, nobody could seem to believe that he had actually brought the trained flies in sufficient quantity. के सबसे पहले तो कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था कि वो इतनी ज़्यादा तादाद में तरबियत याफ्ता मक्खियाँ लेकर आ गया है। Then, as the shoot was ready, जब फिल्म का जो शूट है वो बिल्कुल तैयार था, helper opened the door एंड ब्रोक गैस कैप्सूल, क्या किया उसने, ओपन दी डोर, वो जो केज था फ्लाइज वाला, मक्खियों वाला, उसका डोर ओपन किया, खोला, और वो उसके पास जो कैप्सूल था, जो ट्रैंकुलाइजर था जिसमें नींद की दवा थी, उसको तोड़ा, एंड द बीज बिकेम स्लीपी, और मक्खियाँ जो हैं उसकी वजह से सो गईं, क्योंकि उसने वो डोर खोलते ही कैप्सूल तोड़कर अंदर कर दिया, एकदम से वो सारी मक्खियाँ फौरन बिकेम स्लीपी, सो गईं। ही पुट देम ऑन द डेड लुकिंग थिंग, उसने फिर क्या किया कि वो जो मक्खियाँ हैं, ही पुट देम, देम से मुराद यहाँ बीज है, वो सारी मक्खियों को उन मुर्दा नज़र आने वाली चीज़ पर डाल दिया। दे वर क्रॉलिंग, क्योंकि अब वो दवाई का असर था उनके ऊपर, नीम बेहोश थी वो, तो इसलिए वो क्रॉलिंग कर रही थी, रींग रही थी उस चीज़ पर, फ्लाई नहीं कर रही थी, उड़ नहीं रही थी। एज दिस सीन वॉज कैप्चर्ड, जब वो सीन जो है वो कैप्चर्ड कर लिया गया कैमरे में, टिल द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रैंकुलाइजर वेनिश्ड, और उतनी देर में उस दवा का असर, क्योंकि इसके फ्रेंड ने बताया था कि 10 to 15 सेकंड के बाद उस दवाई का असर ख़त्म हो जाना था, तो ऑलरेडी उस ट्रैंकुलाइजर का जो इफ़ेक्ट है वो वेनिश्ड हो गया, वो गायब हो गया। और फिर क्या हुआ, एंड द फ्लाइज फ्ल्यू अवे विद अ सिंगल जेस्चर ऑफ हेल्पर, और फिर वो मक्खियाँ जो हैं वो उड़ गईं सिर्फ हेल्पर के एक सिंगल इशारे के साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक्चुअली हुआ ये था कि वो दवा का असर ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से उन मक्खियों ने 15 सेकंड के बाद वैसे ही उड़ जाना था। तो हेल्पर ने क्या किया, उन्हें बस सबको दिखाने के लिए उन्हें एक जेस्चर किया, इशारा किया, ताकि वहाँ से वो कि इसके कहने पर उड़ रही हैं वो। तो ये सब हुआ था फिल्म की शूटिंग पर। तो आपने इसका आंसर ऐसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द डायरेक्टर एंड द क्रू रिएक्ट, कि डायरेक्टर ने और जो उनका अमला था उन्होंने कैसा रद्द अमल शो किया था। तो फ्रेंड्स, हमने लेसन में पढ़ा है, सबसे पहले तो ये होता है कि हेल्पर का कोई बिलीव ही नहीं करता ना, उसका यकीन नहीं कर रहे होते। जब ये आता है वहाँ पर तो हर कोई जोक्स इस पर बना रहा होता है, इसको फ़न में ले रहा होता है, मजाक कर रहा होता है हेल्पर पर कि ये ऐसा नहीं करेगा, और इवन के लोग शर्त लगा रहे होते हैं इस पर कि ऐसा ये नहीं कर सकेगा। फिर जब ये करके दिखा देता है तो फिर सब वो लोग क्या करते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो आंसर आपने इसका कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने लिखना है, द डायरेक्टर एंड द क्रू वर अमेज्ड एट सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ हेल्पर, के डायरेक्टर और उसका अमला जो थे वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा हैरत में थे हेल्पर की इतनी शानदार परफॉर्मेंस पर। फर्स्ट दे कुड नॉट बिलीव हेल्पर, सबसे पहले तो उन्होंने हेल्पर पर यकीन ही नहीं किया, दैट ही हैड ब्रॉट द फ्लाइज
کہ اس بات پر یقین نہیں کیا کہ واقعی ہی وہ اتنی ساری مکھیاں لے آئے گا. دے میڈ فنی ریمارکس ایز دے کوڈ ناٹ بلیو اٹ. اور پہلے انہوں نے کیا کرتے رہے, وہ اس پر مزاحیہ جملے کستے رہے اور انہوں نے ہیلپر کا بالکل بھی یقین نہیں کیا. ایز دا سین واز شوٹڈ, اور جب وہ فلم کا جو سین ہے وہ کیپچرڈ ہو گیا, دے آل پریسڈ ہیلپر, تو ان سب نے پھر کیا کیا کہ ہیلپر کی بہت زیادہ تعریف کی. نیکسٹ کوسچن ہے اب ہمارے پاس, کوسچن نمبر 5. وائی ڈیڈ ہیلپر کیپ دا ٹرینکولائزر ہڈن ایٹ دا شوٹ؟ کہ ہیلپر نے شوٹنگ کے موقع پر جو ٹرینکولائزر ہے وہ چھپا کیوں لیا تھا؟ آخر اس نے سب لوگوں کو کیوں نہیں دکھایا کہ اس کے پاس یہ نیند آور دوا ہے؟ تو فرینڈز, اس کے دو ریزن ہیں. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سیکرٹ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آخر مکھیوں کو جو اس نے سلایا ہے یا وہ کرالنگ کر رہی ہیں تو کس وجہ سے کر رہی ہیں. وہ اس بات کو نا ایک راز رکھنا چاہتا تھا. اور سیکنڈلی وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ہر کوئی اس کی بہت زیادہ تعریف کرے ایسا پروفیشنل ٹرینر کے طور پر, کہ اتنا اچھا ٹرینر ہے کہ اس نے ایون کے فلائز کو بھی مکھیوں کو بھی ٹرینڈ کر دیا ہے. تو بس ان باتوں کی وجہ سے اس نے جو وہ نیند کی دوا ہے وہ چھپا لی تھی اپنے پاس. تو اس کا آنسر آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے, آپ لوگوں نے لکھنا ہے ہیلپر کیپٹ دا ٹرینکولائزر ہڈن ایٹ دا شوٹ. ہیلپر نے جو ٹرینکولائزر ہے وہ چھپا لیا تھا شوٹنگ کے دوران, بیکاز کیونکہ ہی وانٹیڈ ٹو ہائڈ دی سیکریٹ آف پٹنگ فلائز ٹو سلیپ. کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مکھیوں کو سلانے کا, سونے کا جو راز ہے وہ چھپا رہے. اینڈ ہی وانٹیڈ, اور وہ یہ بھی چاہتا تھا, ٹو میک دا کرو آف دا شوٹ regards him as a professional trainer who had trained the flies not to fly until he ordered. دوسری بات وہ یہ چاہتا تھا, to make the crew of the shoot, کہ وہاں شوٹنگ پر موجود جتنا بھی عملہ ہے regards him, وہ اس کی عزت کرے ایسا پروفیشنل ٹرینر, ایک تربیت یافتہ پروفیشنل تربیت یافتہ کے طور پر, جس نے who had trained, جس نے تربیت کر دی ہے the flies, یہاں تک کہ مکھیوں کی بھی تربیت کر دی ہے not to fly until he ordered, کہ جب تک اس نے آرڈر نہیں دیا, اس نے حکم نہیں دیا, وہ مکھیاں نہیں اڑی. تو وہ بس یہ بات لے کر وہ چاہتا تھا کہ ٹرینکولائزر والی بات چھپی ہی رہے. نیکسٹ کوسچن ہے اب ہمارے پاس, کوسچن نمبر 6. تو نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس, what does the way helper planned and executed the effect suggest about his skills as an animal trainer. کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہیلپر نے سارا منصوبہ بنایا اور اسے اس کے اثر کو پورا کیا, جس کی تعمیل کی اس نے, اس بارے میں آپ کیا تجویز پیش کرتے ہیں اس کی سکلز کے بارے میں, اس کی مہارتوں کے بارے میں ایز این اینیمل ٹرینر, ایک جانوروں کے ٹرینر یا تربیت یافتہ ہونے کے بارے میں. تو فرینڈز, ہم نے یہ لیسن پڑھا ہے اور میں نے آپ کو اس کے انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا کہ واقعی یہ بہت اچھا پروفیشنل ٹرینر تھا جو کہ اکثر ہالی ووڈ کی موویز میں سپلائی کرتا تھا اینیملس کو. یہ تو مکھیاں تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, یہ تو ایون ٹائیگر, ایلیفینٹ, لائن اور اس طرح کے بڑے بڑے اینیملس اس نے ٹرینڈ کر کے رکھے ہوئے تھے, اور یہ وہ بھی وہاں پر پرووائڈ کرتا تھا جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی. اب ہم اس لیسن کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں پر بات ہو رہی ہے جن انسیکٹ کی, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ان حشرات کا بھی بہت نالج تھا, چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا بھی بہت علم تھا, اور دوسرا سیکنڈلی یہ کہ اسے ٹرینکولائزرز کا بھی بہت نالج تھا کہ کون سا ٹرینکولائزر کون سے اینیمل پر کتنا افیکٹ کرتا ہے, اس کا اثر کتنی دیر رہتا ہے, کب کتنی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے, یہ سب باتیں. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروفیشنل جو ہے ٹرینر تھا. تو اس کا آنسر آپ نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے, آپ لوگوں نے لکھنا ہے, دی وے ہیلپر پلانڈ اینڈ ایگزیکیوٹیڈ دی افیکٹ سجیسٹ دیٹ ہی پوزیسز ہائیلی پروفیشنل اسکلس
कि जिस तरीके से हेल्पर ने पूरा मंसूबा बनाया और उस पर अमल किया, तो हम सिर्फ यही तजवीज़ दे सकते हैं कि वो प्रोफेशनल स्किल्स उसके अंदर थी, यानी कि पेशा वराना महारतें थी उसके अंदर। ही हैज़ द नॉलेज ऑफ बिहेवियर ऑफ वेरियस इंसेक्ट, के उसको बहुत से कीड़े मकोड़ों का इल्म था, नॉलेज था। ही नो अबाउट वेरियस ट्रैंकुलाइजर्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द इंसेक्ट, कि वो बहुत ज़्यादा कई किस्म के ट्रैंकुलाइजर से भी वाकिफ़ था कि ये जो नशा आवर या सुकून आवर अदवियात हैं, इनका क्या असरात होता है इन हशरात के ऊपर, कीड़ों मकोड़ों के ऊपर। ही आल्सो नो हाउ टू एंड वेयर टू कीप सर्टेन इंसेक्ट, वो ये भी जानता था कि कैसे और कहाँ पर ये जो कीड़े मकोड़े हैं ख़ास किस्म के, इनको रखना है। वो ये सब चीज़ें जानता था, तो इसलिए हम उसे एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Why did helper pretend to count out the number of flies? के आखिर हेल्पर ने इस तरह क्यों प्रिटेंड किया, ये बहाना क्यों किया कि वो मक्खियों का नंबर जो है वो काउंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उसने ऐसा बहाना इसलिए किया था काउंट करने का क्योंकि वहाँ पर वो डायरेक्टर और जो क्रू था उनको बस ये बताना चाह रहा था एग्जैक्टली कि फ्लाइज जो हैं वो 5000 हैं, तो इसलिए उसने बस ये बहाना किया। तो इसका आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने लिखना है हेल्पर प्रिटेंटेड टू काउंट आउट द नंबर ऑफ फ्लाइज बिकॉज ही वॉन्टेड टू कन्विंस द डायरेक्टर दैट द नंबर ऑफ फ्लाइज वॉज एग्जैक्टली 5000। सिर्फ उसने मक्खियों को काउंट करने का बहाना इसलिए किया क्योंकि वो डायरेक्टर और वहाँ पर जो उनका अमला था उन्हें इस बात पर कायल करना चाहता था कि वाकई ही मक्खियों की तादाद जो है मुकम्मल 5000 है एग्जैक्टली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, हाउ डू यू थिंक हेल्पर फील्स अबाउट हिज अचीवमेंट, आप क्या सोचते हैं कि हेल्पर क्या महसूस करता था अपने इस कारनामे के बारे में। वैसे पेपर में आप लोगों की इस तरह से सोचने के बारे में तो नहीं आता, टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है कि मैं ये सोचती हूँ या ये सोचता हूँ कि हेल्पर अपने इस अचीवमेंट पर बहुत ज़्यादा हैप्पी था या खुश था। तो बस इसका आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है आई थिंक, मेरे ख्याल में हेल्पर फील्स एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश था अबाउट हिज अचीवमेंट अपने इस कारनामे पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, शुड हेल्पर हैव रिवील्ड हिज सीक्रेट टू द डायरेक्टर, वाई और वाई नॉट, क्या हेल्पर ने अपना जो ये राज है ये जाहिर कर दिया था डायरेक्टर पर, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये वाला उसका राज जो उसने मक्खियों को ये सारा मतलब किस तरह से उसने क्रॉलिंग कराई और उसके कमांड पे वो उड़ने लग गई, तो क्या उसने जाहिर कर दिया था, आप लोगों ने लेसन पढ़ा है जी। तो इसका आंसर है कि उसने अपना ये सीक्रेट बिल्कुल भी रिवील नहीं किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके सीक्रेट के बारे में पता चले कि किस तरह से उसने मक्खियों को सुलाया है या उसके हुक्म पर वो उड़ गई हैं। तो वो आगे हमसे वो रीज़न भी पूछ रहे हैं वाई नॉट, कि आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया। तो फ्रेंड्स, उसने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इस तरह से उसकी जो कदर कीमत है उसमें कमी आ जाती और लोग जिस तरह से उसकी तारीफ़ कर रहे थे वो उस तरह से ना करते, वो उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना देते। तो इसका आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने लिखना है नो, नहीं, हेल्पर शुड नॉट रिवील हिज सीक्रेट टू द डायरेक्टर, के हेल्पर को अपना जो राज है वो डायरेक्टर को नहीं बताना चाहिए था बिकॉज इट रिड्यूस हिज वर्थ, क्योंकि इस तरह से ये उसकी जो कदर कीमत है उसमें कमी आ जाती, उसकी इम्पोर्टेंस में कमी आ जाती। और साथ आप एक और बात भी कह सकते हैं, सो ही मस्ट कीप हिज सीक्रेट अनरिवील्ड, इस वजह से उसने अपना जो राज है ये जाहिर नहीं किया।
तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्लाई अवे के। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आपने ये अच्छे से इसी तरह प्रिपेयर करने हैं ताकि आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो सके।